और पी लो फ्रिज का पानी, मैंने मना किया था तुमको फ्रिज का पानी पीने के लिए, तब भी पीना है फ्रिज का पानी। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, एक तो घर का काम करो, सारे घर की सफाई करो, सबके लिए खाना बनाओ और फिर तुमको देखो, चले जाओ यहाँ से। बढ़िया जाओ यहाँ से, बोला ना। हे भगवान, आज मैं कितना थक गई। चलो ये सो गई। हो इसको तो कितने दिन फीवर है, मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ। बच्चा ठीक तो उठो बेटा, कुछ खाना वाना खा लो, ऐसे ही सो रहे हो। हे कान्हा जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अभी मैं कान्हा जी के पास जा रही हूँ अपनी बच्ची के लिए मन्नत मांगने। हे कान्हा जी, अगर आज मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ, देख लीजिएगा, आपको मेरी बच्ची को ठीक करना ही होगा कान्हा जी, करना ही होगा। जब तक मेरी बच्ची ठीक नहीं होती, मैं एक पाँव पे खड़ी रहूंगी आपके सामने। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो गई। धन्यवाद कान्हा जी, आज आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मेरी बेटी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियां लाने, ठीक है, आधे घंटे में आ जाऊंगी, और अपना ध्यान रखना। ओके आजी। फैला जी मालूम, जा रही थी मैं बाजार, मुझे आधे घंटे रुकना पड़ेगा घर में, छींकने से पहले सोच लेती ना। अब पैर लगा रही है झाड़ू को, हट, मुझे आधे घंटे बैठना पड़ेगा। अच्छी, कितना छींकेगी, मुझे बाजार नहीं जाने देगी क्या? अरे मम्मी, हम ऐसा झाड़ू लगा रहे तो छींक नहीं आएगी क्या? मेरे नाक में धूल चली जा रही है, तो क्या करूं मैं? हाँ यश, मेरे शर्मा, आप आ रही है ना आज की किटी पार्टी में? हाँ मैं भी आ रही हूँ। अच्छी, क्या हुआ बेटा तुम्हें, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, पक्का आपको जुकाम हो गई है बहुत तेज, आज हम पूरा बॉडी चेकअप कराएंगे। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। मम्मी मम्मी, क्या है? मैं स्कूल के पिकनिक जा रही हूँ, प्लीज मैं भी चली जाऊँ। क्यों, घर पे बैठो चुपचाप से, पढ़ती बैठी तो हो नहीं बढ़िया पिकनिक में जाने वाली। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? नहीं जाना कहीं पिकनिक, शांति से घर पे बैठो प्लीज ना मम्मी। चुप कर, मना किया ना नहीं जाना। मुझे 1000 रुपीज है, पता भी 1000 रुपए कितने जीरो होते हैं? नहीं, जब कमाने लगोगे तब पता चलेगा, तब जाना प्लीज मम्मी। मना किया ना नहीं जाना। मम्मी हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं, आप लोग कभी नहीं ले जाते वाटर पार्क। रोज तो नहाती है बाथरूम में, बाल्टी पानी भर और टुक्की लगा ली तुमने, ठीक है? और जाओ यहाँ से। मम्मी बुलाओ पापा को, बुलाओ मम्मी पापा को, दिखाना किसी से मारूंगी। वाटर पार्क जाते भी नहीं हो आप लोग, रोज तो नहाते हैं। ना जाते तो वाटर पार्क में स्लाइड रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। हे भगवान। Yes, बेटा, मैं स्कूल के पिकनिक जा रही हूँ। वो भी हम लोग 50 रुपए जा चुके हैं। अच्छा, किस जगह पर? गोवा। ओह माय गॉड, आपको जरूर जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा है। अरे आपको जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, आप फैमिली के साथ गए थे, बट अभी आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाओ, ओके? और मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले जाना, और भी मम्मा, और आपको जो भी पसंद आए ले लीजिए, सोचे एंजॉय करो लाइफ को। ये लगे तुम? वो जूते ना रहे हैं मैम, मेरे सर में जूते पड़ रहे हैं। घर में लेटरिंग है? हाँ मैम। तो कॉपी मेरी टट्टी क्यों कर रखी है? कहाँ टट्टी है, पूरा साफ तो लिखा है। कल अपने पैरों धुला के लाना, ठीक है? नहीं प्रिया, आजकल तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्या तुम स्टडी नहीं करती आजकल? नहीं, मैं आजकल इंस्टाग्राम में बिजी रहती हूँ ना। ओ अच्छा, मैम आज आप कितनी अच्छी लग रही हो। सच में? थैंक यू। जब मैं आ रही थी तो कुछ बॉयज लोग भी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। वो लोग क्या कह रहे थे? कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। बाबू, सुबह के 9 बज गए, उठ जा, अभी उठेगी तो तेरे को लेट होगा ऑफिस के लिए, फिर खाना कौन बनाएगा? जल्दी उठ।
अपनी मम्मी को समझा लो तो वो उठा देती है। एक तो सारे दिन ऑफिस में काम करो, घर आने के बाद वापस काम करो, और फिर 12 बजे सो, फिर सुबह जल्दी उठा देते हैं मम्मी जी। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। उठो अब, खराते मार रहे हो। बहू उठेगी नहीं, अभी उठेगी तो तू ऑफिस के लिए लेट होगी और भाग जाएगी और बोलेगी माची आप ही खाना बना लो, और टाटा बाय करके भाग जाएगी। उठ जा जल्दी से। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ मम्मी जी। एक तो सोने भी नहीं देते हैं। बहू चाय बन गई, लगता आज मुझे चाय ही नहीं मिलेगी। ये लो मम्मी जी चाय। इसमें चाय पत्ती नहीं डाली क्या? नहीं, वो मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये ऐसी चाय बना दी। मैं जा रही हूँ। अरे खाना कौन बनाएगा? खाना बाहर से मंगवा लिया तो घर पर बना लेंगे। ठीक है बाय। अरे रुक रुक रुक, बाय 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 बाय। लगता है दूध गर्म करके दे दिया इसने मेरे को, तो अब जैसी है मुझे वैसी पीनी पड़ेगी। हे रमन के पापा, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? इन लोगों ने तो मुझे नौकरानी बना रखा है। अगर तुम होते ना तो अभी इतना नहीं बोल पाती। एक तो इसका पति रमन बस इसकी ही सुनता है, बहू की चमचागिरी करता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है मेरा बेटा। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अभी रात को आएगी बोलेगी माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, आप ही खाना बना दो, और अभी भी खाना बना के नहीं गई। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। छोटी बाऊ, ये चाय पीने का कोई टाइम है मेरा? इतना लेट कैसे हुआ आज तुमको? रमन को ऑफिस जाना है, इतना लेट? अभी तो कुछ खाने को भी नहीं बना होगा, और खाली कुकर तो गैस पे नहीं चढ़ा के आई हो? चाय रखो यहाँ पे और जाके खाने की तैयारियां करो। बहू बेटा इधर आओ। कल करवा चौथ के लिए मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई थी मार्केट से, कल आप किसी को पहनना ठीक है? ये बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगी। मैंने ऑलरेडी अपने लिए गाउन ले लिया है, बहुत अच्छा था। फिर इसको कौन पहनेगा? ये आप पहन लेना, कोई बात नहीं। छोटी बाबू। हाँ माँ जी। यहाँ आओ। आ रही माँ जी। ये लहंगा मेरी सास की सास ने दिया था, और मेरी सास ने मुझे दिया था, और मैंने इसको अपने पहले करवा चौथ पे पहना था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी पहले करवा चौथ पे यही लहंगा पहनो। ठीक है माँ जी। जाओ। मम्मी जी थोड़ा मेरे फोटो खींचो। क्या पूरे दिन फोटो खींचवाती है? मेरी साड़ी पहनती तो अच्छी लगती। नहीं मुझे गाँव ही अच्छा लगा तो मैंने गाँव। खींच दी तेरी फोटो। वाओ अच्छी है, एक और खींचोगी? मैं नहीं खींच रही फोटो। अच्छा मैं अपने आप ही खींच रही। व्रत रखा है कि फोटो शूट करा रही है ये? मम्मी जी 9 बज गए हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, अभी तक चांद निकला भी नहीं है। न्यूज में दिखा रहा था कि ऑनलाइन बात भी तोड़ सकते हैं, अगर चांद नहीं आया तो मैं ऑनलाइन बात तोड़ने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। हे भगवान क्या जमाना आ गया है, अब तो सब लोग ऑनलाइन चांद भी देख के व्रत तोड़ने लगे हैं। क्या होगा इस जमाने का ऐसी बहुओं का। छोटी बहू रमन की कॉल आई थी, उसे आने में देरी हो जाएगी, चांद निकल चुका है, आप रमन की फोटो देख करके व्रत तोड़ लो। नहीं माँ जी मुझे भूख नहीं लगी है, जब रमन जी आएंगे तब मैं व्रत तोड़ूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके माँ जी। क्या 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 बाहू? क्या माँ जी?
तुमने व्रत तोड़ा तभी रमन का इंसिडेंट हुआ करवा चौथ वाले दिन। गणेश जी माजी आप क्या कह रही हैं? तुमने जरूर कुछ खाया है। नहीं माजी, मैं तो सुबह से भूखी थी। तब ऐसा कैसे हो सकता है? निकल जाओ इस घर से। निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा रमन आज इस हालत में है। तुमने कुछ तो खाया होगा।